Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. करते का बताइए, किसका करवाना? माजा वही नहीं. अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? वैसे तो 10,000 लगते हैं, अगर पति और फैमिली हो तो. अगर नाजायज बच्चा हो तो सिर्फ 25,000. इलीगल अबॉर्शन का धंधा चलता ना यहाँ पे? बात जाली है ऐसी चवाखाना था. चल तेरे को जेल की हवा खिलाती हूँ. ए, तू का भाग रही है? क्या इलाज आबे दिया? बुरो, ताका से करना. चल. वृंदे, अगर वृंदे. अरे कुट्टा है तू बाबा ले. देख तेरी सब पुस्तक लेके आया मैं. वृंदे, वृंदे, नहीं मैडम, इसके पास से कुछ नहीं मिला. ये खाली हाथ थी. ये खून कैसे लगा? बोलो फटाफट. खाकर बोलोगी या बिना खाए? चल बोल. अलका मौसी के आने से लगा जैसे खुशी मिल गई. उनका मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना, मेरा ख्याल रखना. उनके आने से लगा जैसे माँ की कमी पूरी हो गई. तेरे बाबा 15-15 दिवस बाहर रहते हैं, तुझे कंटाला आता होगा ना? हाँ. तो एक काम कर, तू मेरे साथ पंचगनी चलेगी? कब जाना है? मैं बताऊंगी ना तुझे. ठीक है. कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं आप? वृंदा, ये खाना. वृंदा, 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 तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये सब किसने किया? मौसी, जब आप लॉन्च के बाहर गई थी तो कमरे में एक आदमी आया था और उसने उस...
देवा, वृंदा तू चुप हो जा और चल पुलिस में चलते। नहीं 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 वृंदा, पुलिस के पास जाएंगे तो तेरे बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं और नहीं, और लोगों को भी पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। नहीं नहीं, क्या करें? नहीं नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम घर चलते। फिर एक बार ऐसा ही हुआ, मैं मौसी पर भरोसा करती रही, पर स्कूल और हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए मुझे एक कॉर्पोरेटर के पास ले गई। मौसी, वो दादा मेरे साथ, आप चलो यहाँ से। तू बाहर कैसे आई? चल अंदर, चल। मौसी, चुपचाप अंदर चल। मौसी, मैं कहती हूँ अंदर चल। लेकिन ये कंधे पे लगा खून ये क्या है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पेट में बच्चा देगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ वृंदा? क्या किया तूने? क्या किया ये? रुक जा, तू चल मेरे साथ। वृंदा, क्यों किया तूने ऐसा? उसे कुछ हो जाता तो? मौसी, मौसी मैं पेट से हूँ। क्या बोली तू? माय गॉड, भैया बस आगे जाके रहो, बस बस बस, देख ये ले पैसा और जाकर बच्चा गिरवा दे। मौसी, मैं जो बोल रही हूँ कर, जा। काश मैं आई का सबक याद रखती और अलका मौसी पे भरोसा नहीं करती। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि ये अलका मौसी तुम्हारे साथ ये सब कर रही है, तो तब पुलिस में क्यों नहीं आई तुम? मैं जाना चाहती थी पुलिस के पास, मैं जाने वाली थी, पर अलका मौसी ने मुझे धमकी दी। उसने कहा अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो मेरा गंदे वाला वीडियो सबको दिखा देगी, इसलिए मैं डर गई, मैं नहीं गई। 3 सालों से तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तुम्हारे घर वालों को भनक तक नहीं हुई? बाबा 15 दिनों में एक बार आते थे, उनको कभी कुछ पता नहीं चला। वृंदा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो बढ़िया है ना तुझे? काय झालं सांग, मैं तेरे लिए अच्छा वाला खाना बनाता हूँ, हाँ? फिर खाना खाके मेरे बच्चे के मुंह पे हंसी आएगी, है कि नहीं? हाँ, कम एनजीओ के आड़ में धंधा करती है तू, हाँ? मैं कुछ नहीं की मैडम, मैं आपसे बोलती ना, मैं कुछ नहीं की। इनको पहचानती है? कौन है ये लोग? मैं नहीं पहचानती इनको। तू ऐसे नहीं बोलेगी, इसको इतना मारो कि खुद को भी भूल जाए। ओ मैडम, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, ये वर्दी उतरवा सकती मैं? हाँ, दिखाती हूँ तुझे अभी, अभी बातें कम, काम देख हमारा। जया, ओ मैं मारो इसे। बोल, बताती है कि नहीं? सच सच बता, क्या है? बस सच, बस बस। ओ मैडम, मैं ही भेजी थी वो वृंदा को पिटवाने के लिए, गुंडों को नहीं भेजती तो वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर उन लोगों का क्या होता जिसको मैंने वृंदा को बेचा था? सरपंच, मास्टर जी, कॉरपोरेटर, जमींदार, ये बड़े बड़े लोगों के पास ले जाती मैं उसको, इसी लालच में बस ये सब की मैं। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अरे मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है इस तरह के एलिगेशंस,
अलका माने के स्टेटमेंट के आधार पर उन सभी लोगों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत में वृंदा ने पूरी हिम्मत दिखाई और अपने गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस और कानून की मदद की। लेकिन वृंदा के पिता के बारे में पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई थी। कुछ का मानना था कि वो अपनी इकलौती बेटी की तकलीफों को दूर नहीं कर पाए, इसलिए सदमे और बेबसी में कहीं चले गए। और कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। वृंदा ने एक बच्चे को जन्म दिया और एक एनजीओ की मदद से एक फैमिली ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब वृंदा ऐसी एक एनजीओ के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई कर रही है और साथ ही अपने जैसी न जाने कितनी मासूम लड़कियों की मदद करती है, उनकी हिम्मत बनती है। हमें दिल से अपनाने वालों और अपने फायदे के लिए अपना बनाने वालों के बीच के फर्क को सही वक्त पर जानना और समझना बेहद जरूरी है। जिंदगी में कुछ आसान नहीं होता है। जो काली रात में हिम्मत से संघर्ष करता है वही उजाला बनकर चमक उठता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।